अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जाफर आपका TV31 न्यूज चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताजा है कि इस बार हिंदुस्तान के हर उस शहरी को इन्विजिलेटर उसके घर पर जाकर पूछेगा जो ये सवाल पहले नहीं पूछे गए कि आपके वालिद वालदा कहाँ पैदा हुए, उनकी पैदाइश की तारीख क्या है। ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान के सिटीजनशिप का कानून ये है कि जो 87 से पहले पैदा हुआ वो भारत का शहरी है। अब 87 से दिसंबर 2003 के दरमियान में जो पैदा हुआ उसके अगर एक माँ बाप की हिंदुस्तान की शहरी सिटीजनशिप मिलती, मगर 2003-04 के बाद जो कानून बना तो ये जरूरी है कि दोनों माँ बाप भारत के शहरी हैं। नंबर एक। दूसरा क्या है कि इसमें आपका आधार कार्ड पूछेंगे, तीसरा पासपोर्ट पूछेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस पूछेंगे। ये इसका कहां से मैं देख के बोल रहा हूं, जो इन्वेटर को जो किताब दी गई है और उसमें बाबाबता कहा गया अंग्रेजी में कि आप इसकी वाइड पब्लिसिटी देकर पूरे डॉक्यूमेंट जमा करिए। ये बार बार दूसरी झूठ बीजेपी की, फिर हम तो आपको पूछ रहे डॉक्यूमेंट्स, इसमें कि उनकी किताब में लिखा हुआ है 2.2.3 में लिखा हुआ है जो इन्वेटर को दी जाएगी कि आप डॉक्यूमेंट्स पूछिए, ये डॉक्यूमेंट्स क्यों जमा कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बार बार बोल रहे कि नहीं CAA शहरियत देने का कानून है, लेने का नहीं। फिर झूठ क्या है झूठ वो कि जब इन्यूमिनेटर आपके घर को आएगा, ये घर में पूछ लिए, उसके बाद उन्होंने जाकर उनके जो ऊपर जो ऑफिसर है वो भी लो लेवल ऑफिसर होगा, उसको एक लोकल रजिस्टर बनी और वो मौसूफ को एख्तियार दे दिया गया कि वो मुमताज खान साहब या अहमद बलाला को डाउटफुल सिटीजन लिख सकते। किस बुनियाद पर डाउटफुल सिटीजन लिखेंगे किसी को नहीं मालूम, डाउटफुल सिटीजन लिख दिए। अब डाउटफुल सिटीजन लिखने के बाद उनको ऑफिसर बोलेगा कि जरा आइए बताइए अब्बा कहां से आए थे, कहां आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है बताइए आप। अगर वो मुतमईन हो गया ठीक है, नहीं ये तो डाउटफुल रहता हूं। उसके बाद एनआरसी, ये मोटा मोटा समझा रहा हूं आप। तो NPR और NRC में कोई फर्क नहीं है, CAA को NPR NRC से देखना जरूरी है। और जब डाउटफुल सिटीजन करार दे दिया जाएगा तो ये लोग बोलते कि ओवैसी मुसलमानों को देश की जनता को डरा रहा है। मैं उनसे फिर से सवाल कर रहा हूं, आसाम में जो NRC हुआ वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ और सुप्रीम कोर्ट के जेर निगरानी में जो NRC वहां पर हुआ उसमें 19 लाख आसाम की आवाम का नाम नहीं आया, जिसमें से 5 लाख के करीब मुसलमान है, 5,40,000 करीब हिंदू बंगाली है। आसाम का एक फाइनेंस मिनिस्टर है हेमंत बिस्व शर्मा, YouTube पर जाकर आप देखो, खास तौर से CNN IBN की एक हमारी खातून बहन रिपोर्टर है जिसका नाम मारिया शकील है, उसमें जाकर देखो, ऐसे कई वीडियोस है, उसमें साफ बोल रहा कि CAA से जो 5 लाख हिंदू बंगाली है उनको सिटीजनशिप दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है और उनका कनेक्शन दिखा देंगे कि बंगाली थे। ये जो CAA क्या बोलता है कि जो 30 दिसंबर 2014 से पहले आए थे और जो मुसलमान नियम सिटीजनशिप ले देंगे, तो आसाम के बंगाली हिंदू को सिटीजनशिप आप दे देंगे और जो आसाम के करीब 5 लाख मुसलमान है उनका केस चलेगा फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में। और ट्रिब्यूनल इतना गंदा है कि ट्रिब्यूनल का जज कौन बन सकता है जो 5 साल कोर्ट की प्रैक्टिस कर रहा जज बना रहे आसाम में, जो सिर्फ 5 साल। अब आप बताइए कि क्या है। अच्छा, ये और एक झूठ इनकी,
वजीर आजम के रामलीला की तस्वीर बोले कि डिटेंशन सेंटर है ही नहीं। कल डिटेंशन सेंटर में एक व्यक्ति की मौत हुई आसाम में, 3 साल में 29 लोगों की मौत हो गई। और डिटेंशन सेंटर का मामला ऐसा है कि अगर जेल में कोई कैदी है या अंडर ट्रायल है, अगर उसके माँ बाप या कोई रिश्तेदार मर जाते हैं तो जेलर को सुपरिटेंडेंट का अख्तियार है पेरोल पर छोड़ने का। ये डिटेंशन सेंटर में नहीं है, कोर्ट को जाना पड़ता आपको। ये डिटेंशन सेंटर, ये डराने के लिए नहीं बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूं। आप डिटेंशन सेंटर है आसाम में, 29 लोग 3 साल में मर गए। अच्छा, मैं जो लिस्ट का जिक्र कर रहा आपके सामने, मिसाल के तौर पर अहमद बलाला का नाम आ गया तो उन्हों क्या करेंगे, अपने लोकल दफ्तर पे लिस्ट लगाएंगे और आकर बोलेंगे कि भाई जिसको इस पे ऑब्जेक्शन करना है आके ऑब्जेक्शन करो। अब जो ये संगी है जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर अंबेडकर को गांधी को नहीं मानता, उसने तो सारे